स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनित ब्लॉग में। और आज की हमारी जर्नी है जालना से परतूर के दरमियान में। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरी वॉच करें ताकि आपको जालना से परतूर के दरमियान में पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके इलेक्ट्रिफिकेशन की। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जालना रेलवे स्टेशन में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है और वायरिंग्स भी यहां पर लगा दी गई है। और इसी के साथ साथ जालना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के साइड में जो तो ट्रीट लाइन का काम चल रहा है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ पर जो है पीट लाइन का काम चल रहा है जालना रेलवे स्टेशन में। एक पीट लाइन जो तो यहाँ बनाई जा रही है और एक पीट लाइन जो है तो जालना रेलवे स्टेशन के परभनी आउटर की तरफ बनाई जा रही है। एक पीट लाइन जो तो यहाँ पर बनाई जा रही है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो तो कुछ दिनों में यहाँ पर ट्रैक बिछाने का जो तो काम स्टार्ट किया जाएगा जालना रेलवे स्टेशन के परभनी आउटर के साइड पर है। ये व्यू देख सकते हैं आप लोग। इस वक्त हमारी ट्रेन जालना और सारवाड़ी रेलवे स्टेशन के दरमियान में चल रही है। तो देख सकते हैं आप लोग, जालना और सारवाड़ी के दरमियान में 100% पोल्स लगा दिए गए हैं और पोल्स लगाकर सेट भी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इन पोल्स को जो है तो वायरिंग नहीं लगाई गई है। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन सारवाड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्लोली स्किप होने वाली है। मेन लाइन में मालगाड़ी खड़ी हुई है, इसीलिए हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्लोली स्किप किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, सारवाड़ी रेलवे स्टेशन में भी तकरीबन पोल्स लगा दिए गए हैं और पोल्स लगाकर सेट करना भी बाकी है। अभी तक जो तो यहाँ पर पोल्स को सेट नहीं किया गया है और यहाँ पर अभी तक वायरिंग का भी काम स्टार्ट नहीं किया गया है। देख सकते हैं आप लोग, सारवाड़ी रेलवे स्टेशन का ये व्यू आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस वक्त हमारी ट्रेन कोड़ी रेलवे स्टेशन के सारवाड़ी आउटर के साइड में है। हमारी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला, इसीलिए हमारी ट्रेन जो है तो स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही है कोड़ी रेलवे स्टेशन में।
कोड़ी रेलवे स्टेशन के मेन लाइन का सिग्नल हमारी ट्रेन को मिल चुका है। आप लोग एक्सेलरेशन सुन सकते हैं एक मरतबा इस ट्रेन का, बहुत ज़बरदस्त एक्सेलरेशन आ रहा है। जिस वक्त हमारी ट्रेन कोड़ी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही थी, तो उस वक्त हमने देखा कि कोड़ी रेलवे स्टेशन में भी बड़े पोल्स लगाने का काम स्टार्ट किया गया है और बहुत सारे जो है तो पोल्स लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इन पोल्स को सेट नहीं किया गया है। आप लोग खुद देख सकते हैं। वीडियो शूट हो रही है और वीडियो में मैं ना हूँ तो वीडियो का मज़ा नहीं आने वाला है। तो मेरी वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल जुनैद व्लॉग को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू वीडियोज़ लाता रहूँगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरटेन करता रहूँगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी ट्रेन इस वक्त कोड़ी और रंजनी के दरमियान में चल रही है। कोड़ी और रंजनी के दरमियान में तकरीबन पोल्स लगा दिए गए हैं और लगातार सेट भी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इस बीच जो है तो वायरिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा है कि कोड़ी रेलवे स्टेशन के करीब जो है तो वायरिंग का काम बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो है तो इलेक्ट्रिक का ट्रायल हो। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन रंजनी रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है। तो देख सकते हैं आप लोग, रंजनी रेलवे स्टेशन के कोड़ी आउटर के साइड में आप लोग देख सकते हैं तकरीबन यहां पर पोल्स लगा दिए गए हैं और लगाकर सेट भी कर दिए गए हैं। फाइनली हमारी ट्रेन रंजनी रेलवे स्टेशन को भी स्किप कर रही है। तो देख सकते हैं आप लोग, रंजनी रेलवे स्टेशन में भी तकरीबन पोल्स लगा दिए गए हैं और लगाकर बहुत सारे पोल्स यहां पर सेट कर दिए गए हैं। देख सकते हैं आप लोग यहां पर रंजनी रेलवे स्टेशन में।
फाइनली हमारी जर्नी का लास्ट डेस्टिनेशन परतूर रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो जिस वक्त हमारी ट्रेन परतूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में एंटर होने वाली थी, उस वक्त हमने देखा कि परतूर रेलवे स्टेशन के जालना आउटर के साइड में पोल्स लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी इन पोल्स को सेट करने का काम चल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये एक पोल लगाया गया है और आगे जो है तो स्टेशन में अभी पोल नहीं लगाए गए हैं। तो 2 या 4 दिन के बाद जो है तो परतूर रेलवे स्टेशन में भी पोल्स लगा दिए जाएंगे और लगाकर सेट भी कर दिए जाएंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक लोगों की ट्रायल ली जाए बहुत जल्द से जल्द। तो देख सकते हैं हमारी ट्रेन परतूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में एंटर हो रही है। इधर से निकल आ लो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जूनियर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।